यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइस, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फंक्शनल फॉर्म्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने इससे पहले की क्लासेस में भी फंक्शनल फॉर्म्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। इवन हमने गैस काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है। जैसे में हमारा एक लॉग लॉग मॉडल था, सेमी लॉग मॉडल था, लॉग लीनियर मॉडल था, लीनियर लॉग मॉडल था, रेसिप्रोकल मॉडल था, मॉडल थ्रू ओरिजिन था। समझ रहे हो गैस? हमने काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़े थे, और गैस वो मॉडल कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिकली इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जैसे हमें एग्जाम्पल ग्रोथ ग्रोथ सॉल्व करना है, किसी भी कंट्री ग्रोथ बताना, तो उसके लिए मॉडल अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस वही सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस फंक्शनल फॉर्म्स हमारी इकोनॉमेटिक्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बेटा, न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ बेसिक बातें, ठीक है। कुछ बहुत बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए उनका यूज बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो गाइस लिखना जरा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, सम बेसिक्स। एंड वो बेसिक्स हैं जी हमारे सामने, दैट इज, देखिए मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पर आप देखते हैं कि डी वाई लिखा हुआ है, कहीं पर अगर आपने देखा है कि डी वाई लिखा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे दैट इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट चेंज इन वाई, ठीक है। दिस इज एब्सोल्यूट चेंज इन वाई, समझ रहे हो मेरी बात को? सिमिलरली अगर कहीं पर आपने देखा है दैट इज डी वाई बाय वाई, मतलब चेंज अपॉन में नो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है एब्सोल्यूट चेंज, और जो वाई है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ध्यान रखना, इसे हम बोलेंगे है रिलेटिव चेंज इन वाई, दैट इज रिलेटिव चेंज, या फिर कुछ लोग इसको प्रोपोर्शनेट चेंज भी कहते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन वाई, क्लियर। एंड सिमिलरली कहीं पर अगर आप देखते हैं डी वाई बाय वाई इंटू 100, तो उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं दैट इज परसेंटेज चेंज, दैट इज परसेंटेज चेंज इन वाई। एंड कहीं पर गए अगर आपने देखा लिखा हुआ है, मान लो डी वाई बाय डी एक्स इंटू वन अपॉन में वाई, समझ रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन में वाई। तो गाइज हम इसको जस्ट लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जस्ट लिखिएगा दैट इज, वैसे तो लिखने का तरीका ये भी हो सकता है दैट इज डी वाई बाई वाई अपॉन में डी एक्स, यानी अगर आपने ध्यान दिया हो दैट इज रिलेटिव चेंज अपॉन में एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज रिलेटिव चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स। मैं लिख देता हूँ रिलेटिव चेंज इन वाई अपॉन एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स, क्लियर। रिलेटिव चेंज इन वाई अपॉन एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स। एंड सिमिलरली अगर हम इसको मान लो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, मतलब यही टर्म है डीवाई बाय वाई अपॉन में डी एक्स, या फिर इसको लिखना तरीका कुछ ऐसा डीवाई बाय वाई इंटू 100 अपॉन में डी एक्स। तो जस्ट इसको भी लिखने का तरीका पर फ्रेंड्स ऐसे हो जाएगा दैट इज परसेंटेज चेंज इन वाई परसेंटेज चेंज इन वाई अपॉन एब्सोल्यूट चेंज, इन एक्स, क्लियर, अपॉन एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स, ठीक है जी। तो ये चीज़ है गाइज, ये आपको एक बार स्टडी करनी चाहिए थी, एक बार देखना चाहिए था इनको। हो सके तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड गाइज देखो, जो मॉडल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स थे, वो सारे डिस्कशन गाइज पहले से कर चुका हूँ मैं आप लोगों के साथ में। जस्ट अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक सबसे पहला जो मॉडल डिस्कस किया था, सबसे पहला मॉडल गाइज वो था हमारा लॉग लीनियर मॉडल, ठीक है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला मॉडल जिसके बेसिस पे हम लोग को गाइज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, दैट इज लॉग लीनियर मॉडल। एंड गाइज ऑब्वियसली बात है, इसको कुछ लोग लॉग लॉग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, लॉग लीनियर मॉडल या फिर लॉग लॉग मॉडल।
ठीक है जी, मतलब इसको लिखने का तरीका जस्ट ऐसा हो जाएगा, दिस इज एल एन वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का एल एन एक्स आई, ठीक है, एन प्लस का म्यू आई। तो देखो हमें बात करनी सिर्फ इनकी वेरिएबल्स की, हमारे जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं इस वाई के वेरिएबल के साथ में लॉगरिथमिक है एल एन है, एक्स के साथ में लॉगरिथमिक है एल एन है, तो इसलिए हम इसको लॉग लीनियर या फिर लॉग लॉग मॉडल बोलेंगे, ठीक है। एंड गाइस इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें लास्ट क्लास में कर ली है, तो आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड कि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। चलिए जी, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस। चलिए जी एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ वहाँ पर, या फिर दीज आर द क्वेश्चंस। सो सबसे पहला मॉडल हमारे सामने है ये, दैट इज लॉग लीनियर रेग्रेशन मॉडल। गए ध्यान रखना जो लॉग लॉग मॉडल होता है वो इलास्टिसिटी को भी को मेजर करने के काम भी आता है, ठीक है। नाउ गाइस गाइस क्वेश्चन रीड करिएगा, क्वेश्चन नंबर वन, बेस्ड ऑन 11 एनुअल ऑब्जर्वेशन। गए ध्यान रखना यहाँ पे एन जो दे रखा है वो 11 दे रखा है, ठीक है, एन यहाँ पे 11 दे रखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, अब ठीक है गाइस एन यहाँ पे 11 दे रखा है इधर इन्होंने हमें। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है गाइस, यहाँ पे हमारे सामने दो मॉडल्स हैं, मॉडल ए और मॉडल बी। मॉडल ए की बात करते हैं तो गाइस मॉडल ए कुछ इस तरीके से है, दैट इज वाई आई इज इक्वल्स टू 2.6911 एंड -0.747975x। देखो बेटा मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान रखना हम लोग पढ़ना लॉग लॉग मॉडल, तो हमें जैसे कि मैंने आपको बताया है लॉग लॉग मॉडल ये होता है यहाँ पे y के साथ भी लॉग हो एंड x के साथ भी लॉग हो, तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हो तो यहाँ पे y भी अकेला और x भी अकेला, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट लॉग लॉग मॉडल, दिस इज सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल, ठीक है। गाइस क्वेश्चन इसी चीज का, ये लोग आपसे दो मॉडल दे दिया है, एक उन्होंने सिंपल मॉडल दे दिया लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और एक दे दिया उन्होंने मॉडल बी दैट इज लॉग लॉग मॉडल, ठीक है। एल एन वाई टी इज इक्वल्स टू 0.7774 माइनस का 0.2530 एल एन एक्स टी, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक मॉडल बेसिकली आ चुका है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा, अच्छे से बढ़िया से। नाउ अब देखो इन्होंने दोनों का ही अलग अलग स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम इसके बारे में। कहीं यहाँ पे जो वाई है वो है द कप्स ऑफ कॉफी कंज्यूम पर पर्सन पर डे, ठीक है, एंड एक्स दे रखा है उन्होंने द कॉस्ट ऑफ कॉफी इन डॉलर्स पर पाउंड, यानी जो एक्स है वो प्राइस है, ठीक है, जो एक्स है वो प्राइस है एंड जो वाई है वो हमारी कॉफी की डिमांड है, कप ऑफ कॉफी कंज्यूम पर पर्सन। अब देखो इस फर्स्ट पार्ट पढ़ना, गाइस मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हैं, इनको करने के बाद में आपका एक बेसिक आइडिया पूरा हो जाएगा एंड एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपकी गाइस उनकी नॉलेज आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। नाउ गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब फर्स्ट का ए पार्ट क्या है, कहते हैं इट इज इट पॉसिबल टू कंपेयर द स्लोप कोफिशिएंट बी टू ऑफ द टू मॉडल्स, इफ नॉट इंटरप्रेट द स्लोप कोएफिशिएंट इन द टू मॉडल्स। अब देखो गाइस सिंपल सा लॉजिक है, वो कहना चाहते हैं कि क्या हम इनको इसको और इस मतलब बेसिकली हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, यानी इज इट पॉसिबल टू कंपेयर द स्लोप कोएफिशिएंट, ऑब्वियस बात है दो मॉडल कंपेयर करने करने और दो मॉडल कंपेयर करने का सेंस हो जाएगा कि हम उनके स्लोप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं। वैसे तो गाइस मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं जिनके डिपेंडेंट वेरिएबल सेम होते हैं। आई रिपीट, मैं गाइस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना हम लोग सिर्फ उन्हीं मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं जिनके डिपेंडेंट वेरिएबल सेम होते हैं। ये देखो ये अलग है, ये वाई है और ये एल एन वाई है, तो गाइस ये अलग है, तो ध्यान रखना आंसर इज नो, नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर इज नो। अब वो नो का रीजन अभी बताएंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे नो का रीजन, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, इफ नॉट जो की बात है इंटरप्रेट द स्लोप कोएफिशिएंट, गाइस स्लोप कोएफिशिएंट बताना कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है गाइस। सॉल्व करना स्टार्ट करूं मैं, तो गाइस जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन आपके सामने है ये, देखिए अभी बताते हुए हमें थ्योरी इस्तेमाल करनी है क्वेश्चन नंबर वन का, जहाँ पे एन 11 है इसका ए पार्ट, उनका सीधे सीधे क्वेश्चन है कंपेयर, तो गाइस आंसर इज नो, तो गाइस पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बाद में मैं स्लोप कोएफिशिएंट बताऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पर
इन द गिवन मॉडल, इन द गिवन मॉडल ए, गिवन मॉडल ए, द स्लोप द स्लोप कॉफिशियंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट चेंज इन द चेंज इन द एवरेज वैल्यू, चेंज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, वन यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स वाइल वाइल इन मॉडल बी, वाइल इन मॉडल बी द स्लोप कॉफिशियंट द स्लोप कॉफिशियंट रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हेंस हेंस वी कैन नॉट कंपेयर हेंस वी कैन नॉट कंपेयर स्लोप कॉफिशियंट्स ऑफ द टू मॉडल्स ऑफ द टू मॉडल्स। ठीक है जी, मतलब गाइस मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, ये एक जनरल बात। देखिए जहां हम बात करते हैं मॉडल वन की, तो हमारे सामने जो मॉडल वन है वो ये है। जस्ट मैं जनरली लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, जनरल लिख रहा हूँ, मतलब इसको क्वेश्चन से कनेक्ट करो लेकिन वो वैल्यूज की फॉर्म में मत करना। अब मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आ गया बी टू। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में एक मेरे पास मॉडल ये वाला है, अब मुझे स्लोप निकालना है, तो मैंने क्या किया, डी एल एन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू बी टू अपॉन में एक्स, ये हो गया वन अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी टू बाई एक्स। और इसको लिखने का तरीका, बी टू को मतलब आप सारी चीज़ों को वहाँ ले जाओ, एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी टू। अब देखो समझो इस बात को, दिस इज स्लोप, ठीक है, ये जो बी टू है, बट दिस इज नॉट स्लोप, दिस इज इलास्टिसिटी। सो अब आप कहते हो जी हमें स्लोप, अब तो आप बोलोगे स्लोप, तो स्लोप पता है क्या है, स्लोप तो ये हो गया, आप कहते हो जी हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप तो बेटा ये हो गया, दैट इज बी टू इंटू वाई बाई एक्स, तो स्लोप तो ये है क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स होता है। समझ रहे मेरी बात को? सो दैट्स वाई गाइस हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह जो स्लोप आ रहा है, मतलब जो स्लोप आ रहा है वो बी टू आ रहा है, और एक जगह जो स्लोप आ रहा है वो बी टू इंटू वाई बाई एक्स आ रहा है, तो वी कांट कंपेयर बोथ टर्म्स। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इधर, या बी पार्ट कहते हैं टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इफ द डिमांड फॉर कॉफी इज प्राइस इन इलास्टिक इन मॉडल बी। आई रिपीट, कहते हैं टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इफ द डिमांड फॉर कॉफी इज प्राइस इन इलास्टिक इन मॉडल बी। देखो पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आपसे इकोनोमेट्रिक्स मतलब मैथमेटिक्स भी सॉल्व करवा रहे हैं, और कहने के वो आपसे इकोनॉमिक्स को भी लेकर आ रहे हैं, यानी वो एक्चुअल इकोनोमेट्रिक्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो इस्तेमाल करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी बताना है, इफ द डिमांड फॉर द कॉफी इज प्राइस इन इलास्टिक इन मॉडल बी, तो मॉडल बी की बात करें तो गाइस एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा आउटकम बेसिकली क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो जस्ट मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली एक बात बताना चाहता हूँ,
जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए, ये रहा, जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए वो आपसे कहते हैं, वो आपसे बोले कि डिमांड इज इन इलास्टिक, ध्यान 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 से समझना गाइस, डिमांड इन इलास्टिक। तो डिमांड इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है पहले आप यही समझ लो। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, ठीक है, आप अपने में डाउट मत रखना। देखो इसका मीनिंग बस इतना सा हो जाएगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 हो तो परफेक्ट इन इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज परफेक्ट इन इलास्टिक। मतलब हमें तो इन इलास्टिक से देखना है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मोर देन 0 हो, अगर अगर 0 से ज्यादा हो लेकिन 1 से कम हो तो क्या ध्यान रखना, इससे बोलते हैं इन इलास्टिक, ठीक है, 0 से ज्यादा हो लेकिन 1 से कम हो तो फ्रेंड्स इसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक। क्लियर? मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरी स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ, मतलब इसको मैं हटा के पूरा ही एक पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ, ये ऐसे रहता है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 हो तो इसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, ठीक है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा हो लेकिन इन्फिनिट से कम हो तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिक। अब कुछ लोग इसको मोल इलास्टिक, लेस इलास्टिक बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा कितना कम, पर हम इसको इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है, डिमांड इज इलास्टिक। अच्छा मोड में रखेंगे हम इसको। एंड आफ्टर दैट जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली मोर, मतलब इन्फिनिटी हो जाए जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर अगर ये ना करके हम टेंस टू इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। क्लियर? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब वो कहते हैं जी बीट मॉडल टू का बीटा 2 5% जो है टेस्ट करो, टेस्ट मॉडल 2 बीटा 2 5%, ठीक है। तो एक बार मैं मॉडल B लिख लेता हूँ हम लोगों के लिए, दैट इज LNYT इज इक्वल्स टू, क्या था एक बार देख ले तो, मुझे कुछ नहीं याद क्या है जी यहाँ पर, वैसे मैं भी आपके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज LNYT इज इक्वल्स टू 0.7774, 0.7774, 0.7774 माइनस का 0.2530, 0.2530, 2530 XT, ठीक है। या नाउ गाइस टेस्टिंग हमें करनी है 5% की, ठीक है, दैट इज अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस सेट कर लेते हैं। उन्होंने बोला बीटा 2 के लिए, तो बीटा 2 इज, अब देखो अभी ये चीज समझोगे इधर इंटरेस्टिंग फैक्ट पर, उन्होंने क्या चीज टेस्ट करने के लिए बोला, ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझनी, तभी गाइस आप एग्जाम में चीजों को अच्छे से कर पाओगे। वो कहते हैं इफ द डिमांड फॉर कॉफी इज दिस, ध्यान रखना जो वो जो पूछते हैं ना, ध्यान रखना गाइस हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हुए, ध्यान रखना जो वो पूछते हैं हमेशा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना गाइस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हम हमेशा न्यूट्रल रखते हैं, नल हाइपोथेसिस हम हमेशा वो रखते हैं जो मतलब कॉमन होता है, न्यूट्रल होता है, तो जो क्वेश्चन पूछा होता है वो अल्टरनेटिव होता है। उन्होंने बोला है डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक। अब सोचो अगर डिमांड हमारी प्राइस इन इलास्टिक है तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे मैं पहले नल हाइपोथेसिस लिख रहा हूँ, दिस इज बीटा 2। अब देखो एक बात और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, इन दिस केस व्हाट इज बीटा 2, बीटा 2 इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एम आई राइट? बिकॉज आपको शायद पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया अभी कि लॉग लॉग मॉडल में जो जो बीटा होता है, बीटा 2 होता है, स्लोप कॉफिशियंट होता है, वो इलास्टिसिटी को मेजर करता है। एंड ऑब्वियसली बात है हम कहते हैं इसको मॉड में लेके चलते हैं, तो ये मॉड फॉर्म में। अब मुझे बताओ अल्टरनेटिव क्या है, हम कहते हैं ये इन इलास्टिक हो, अब इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो तो मतलब लेस देन 1 हो, यहाँ मैंने बताया आपको है ना, इन इलास्टिक हो मतलब लेस देन 1 हो, तो अगर ये 1 से कम है तो इसे हम बोलेंगे दैट इज दैट इज इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक। अच्छा इन एक तो ये इन इलास्टिक हो गया, अब मुझे बताओ क्या ये वन टेल्ड है टू टेल्ड है,
क्या? इट्स वन टेल्ड, ध्यान रखना, इट्स वन टेल्ड, एंड वो भी वन टेल्ड होने के साथ भी कौन सा वाला, लेफ्ट राइट? देखो अल्टरनेटिव जब लोअर जा रहा है, देखो ये ना लोअर जा रहा है, देखो आप इन इक्वालिटी को देखो, ये आपकी इन इक्वालिटी है, देखो ये लोअर जा रहा है ये, तो ध्यान रखना, अगर वो लोअर जा रहा होता तो वो हमारा बेसिकली लोअर टेल्ड होता है, लोअर टेल्ड बोलो या फिर लेफ्ट टेल्ड बोलो, क्लियर? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये दिस वन, ये मैं इस रीजन की बात करूँ, दिस इज द, ये होगा हमारा, दैट इज वन टेल्ड और लोअर टेल्ड की बात हो रही है, ठीक है? वही बात होती है अगर नल हाइपोथेसिस की, तो नल हाइपोथेसिस में ध्यान रखना इसका उल्टा कर देना, दैट इज ये, हमेशा अल्टरनेटिव पहले सेट करो और उसका उल्टा हमेशा हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है? ये हमारा है इलास्टिक, अब वो दोनों हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है और जस्ट यूनिटरी भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? नाउ गाइस, अगर हम इसको टेस्टिंग करते हैं, तो टी टेस्टिंग में हमारा आ जाता है टी 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 टेस्टिंग में जैसे फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बी टू माइनस का बीटा टू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी टू, एंड दिस इज फॉलोज द टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर? नाउ गाइस, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ इधर, दैट इज बी टू की वैल्यू क्या होगी जी, दैट है ना एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन मॉड मॉडुलस वैल्यू, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली दैट इज 0.2530, ध्यान रखना मॉड ले लिया है, ठीक है? इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, मॉड ले लिया है हमने, माइनस का वन अपॉन में 0.0494। क्या मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो माइनस वन में से 0.25030 गया, तो बचा यहाँ पे, एंड डिवाइड बाय ये हुआ, क्या देख मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, यस गाइस मैंने कर लिया कैलकुलेट, 15.121, ठीक है? अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारी टी की वैल्यू है, इवन हम इसको भी मॉडुलस में रखते हैं, तो ये संभव, अब चाहो तो माइनस में रख लो, चाहो तो प्लस में रख लो गाइस, इसको कोई इशू नहीं है क्योंकि मॉड में ही रहती है। तो गाइस देखो, नॉर्मली ये जैसे हमारी माइनस वैल्यू आ रही है, चलो ठीक है माइनस वैल्यू के रख लेते हैं माइनस वैल्यू, तो ये माइनस है, तो ये पता है क्या है? ये वेरी लोअर हो जाएगी, ठीक है? ये वेरी लोअर का मतलब क्या हो गया, देखो ये हमारी टी की वैल्यू बटा कुछ भी रही होगी, ये बहुत ज्यादा इसके यहाँ पे आ रही है, और गाइस आप जानते हैं दिस इज द रिजेक्शन रीजन। मैं आपको सिंपल से लॉजिक भी बता देता हूँ यहाँ पर, कि जब टी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हाई हो, जब टी की वैल्यू, टी इज व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, इफ कैलकुलेट वैल्यू इज मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू, एक तो स्टेटमेंट ये होती है, लेकिन इफ द कैलकुलेट वैल्यू इज वेरी लार्ज, तो देर इज नो नीड टू कंपेयर इट विद द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है? इसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज वेरी हाई, विच इज वेरी हाई या हाईली सिग्निफिकेंट, हाईली सिग्निफिकेंट इट मीन्स एच नॉट इज रिजेक्टेड, हेंस वी कंक्लूड दैट डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक, डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक, क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। ना अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट, दैट इज टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द डिमांड फॉर कॉफी कॉफी इज परफेक्टली इन इलास्टिक इन मॉडल बी। अच्छा, डिमांड फॉर कॉफी परफेक्टली इन इलास्टिक इन मॉडल बी, इफ नॉट कमेंट वेदर यू एक्सपेक्ट सच अ रिजल्ट। देखो इन्होंने जस्ट आपसे पूछा है कि दोनों में 5% का लेवल सिग्निफिकेंस पूछा है, ठीक है? कहते हैं कब डिमांड हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, ठीक है? कहते हैं कब होगी परफेक्टली इन इलास्टिक मॉडल बी में,
ठीक है, वेदर द डिमांड, इफ नॉट तो कमेंट करो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड सच अ रिजल्ट। ठीक है, तो गाइस वो फिर से एक ही चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक है, वेट गाइस, हाँ मैं शायद एक चीज रीड नहीं करवाया सही से। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, यू नो व्हाट यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक, ED इज जीरो। बस गाइस यहाँ हमसे वो वन वन से कम पूछ रहा था, वो ED को जीरो पूछ रहे हैं। ठीक है, इजी है गाइस, करके देख लेते हैं, आसान है गाइस, मैं करता हूँ सॉल्व इसको। गाइस सेम है सारी चीजें, बस वो नल हाइपोथेसिस सेट करना हम लोगों को, अल्टरनेटिव ही रखेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है जी, अल्टरनेटिव रखा हम लोगों ने सबसे पहले। ध्यान रखना, उन्होंने बोला है परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, आप एक बार सही तो क्वेश्चन पढ़ लो। वेदर द डिमांड फॉर कॉफी इज परफेक्टली इन इलास्टिक इन मॉडल बी, होगी नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो ध्यान रखना, अगर नहीं होगी, समझ लो, अगर नहीं होगी तो दिस इज द नल हाइपोथेसिस, सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई रिपीट गाइस, जो क्वेश्चन है पूछा होता है वो अल्टरनेटिव होता है। जैसे कि यहाँ से इफ से हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसे यहाँ से इफ से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इफ नॉट, इफ नॉट का मतलब अल्टरनेटिव में हमें ये रखना है कि नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका मतलब नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब दिस इज मोर देन जीरो, गॉट इट? इसका मतलब हो जाएगा दिस इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। एन एल हाइपोथेसिस में B2 को रखा हमने जीरो, ये रखा जी हमने परफेक्ट इन इलास्टिक, अदर देन परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, ध्यान रखना गाइस, दिस इज वन टेल एंड अपर टेल। ठीक है, यानी ये रिजेक्शन रीजन। ठीक है जी, अपर टेल गाइस, वो बेसिक सारा कंसेप्ट वही है। टी टेस्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे, B2 मॉडल्स में माइनस का B2 मॉडल्स में अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2, सेम गाइस। देखो आंसर रखते हैं हम इसका। ठीक है जी, आई थिंक कैलकुलेशन गाइस यहाँ की चेक कर लीजिएगा, यहाँ की कैलकुलेशन, या एक मैं एक बार कैलकुलेशन और देख लेता हूँ। तो गाइस ये तो कैलकुलेशन तो ठीक है, 15.121 की, इसकी भी मैं हम लोग एक बार देख लेते हैं, N-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दिस इज 0.2530 एंड दिस इज जीरो अपॉन में 0.0494, एंड गाइस इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी हमारे सामने, दैट इज 5.121। ठीक है, एंड गाइज जो हमें दिख रही थी विच इज हाईली सिग्निफिकेंट। हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो ये जस्ट हमारे सामने एक काफी काफी बड़ी वैल्यू आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे तो हम ये कह ही सकते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो रहा है एंड अल्टरनेटिव हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, यानी ये हमारा जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इज रिजेक्ट, विच मीन्स वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस विच मीन्स डिमांड इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो गाइस ये चीज आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। नाउ गाइस अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, उन्होंने एक चीज बोली है, कमेंट वेदर यू एक्सपेक्ट सच ए रिजल्ट। ठीक है, इफ नॉट तो ऑब्वियसली बात है, हम ये अगर जैसे कि मान लो नहीं है तो हम इसको कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, हम एक्सपेक्ट तब करेंगे जब ये हमारा ईएलई रीजन में जाएगा, मतलब इफ वी एक्सपेक्ट एक्सेप्ट दिस, वो कहते हैं कमेंट वेदर यू एक्सपेक्ट दिस, सो
हम ही कहते हैं इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू देन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, नाउ चलिए आगे बात करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है जी हमसे, कहते हैं हाउ डू यू इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट इन मॉडल बी। इंटरसेप्ट को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, इंटरसेप्ट को यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा, देखो समझने की चीज़ है, थियोरेटिकल कंसेप्ट भी है। अगर आप ध्यान दें, हमारे सामने मॉडल बी ये है, मैं जस्ट यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ आपको, दिस इज मॉडल बी। ठीक है, वो बार बार मॉडल बी की ही बात कर रहे हैं आपसे। तो ये है, कहते हैं जी इसको इंटरप्रेट कराओ जी। ठीक है जी, 0.774 को इंटरप्रेट कराओ जी। कैसे इंटरप्रेट कराओगे देखते हैं जी इसको। वैसे तो इजी है गाइस, मैं थ्योरी भी लिख देता हूँ इसके आपके लिए। इंटरप्रेट करना है जी इसको हमें, देखो ऐसे ऐसे समझना, मतलब आप इसको ऐसे समझना जैसे कि हमारे सामने है ये एल एन वाई टी इज इक्वल्स टू 0.7774 माइनस का 0.2530, याद हो गया जी ये तो मुझे इक्वेशन। ठीक है, अब देखो लॉजिकली मीनिंग ये है कि अगर हम लोग एक्स को 1 रख दें तो एल एन वाई टी इज इक्वल टू 0.7774 ये हो जाएगा, क्योंकि एल एन 1 इज 0, क्योंकि एक्स अगर 1 हो गया तो एल एन 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमारे सामने। अब मुझे इसको इंटरप्रेट करना, तो मैंने क्या करा, एंटी लॉग दोनों जगह लिया, एंटी लॉग। ध्यान रखना बेटा ये थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल में है, आपको इसकी वैल्यू सिर्फ जस्ट मैं आपके लिए लिख दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए लिख दूंगा, और इवन मैं क्या लिखूंगा, इन्होंने जस्ट आपको बताई है, ये रही समझ रहे हो, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, समझ रहे हो, ये पेपर में बताएंगे बताएंगे, डोंट वरी। मतलब मुझे लगा मुझे याद है, नहीं गाइस ये पेपर में आपको बताएंगे। सो देखो अगर आप ये वैल्यू देखें तो एंटी लॉग से ये गया, तो दिस इज वाई टी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.774। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हमें दे रखी है उन्होंने 2.1758। ठीक है जी, वाई टी इज इक्वल्स टू 2.1758। क्लियर, नाउ इसका मीनिंग क्या है, लेकिन अगर यहाँ पे इट मीन्स इफ द कॉस्ट इफ द कॉस्ट ऑफ कॉफी इफ द कॉस्ट ऑफ कॉफी इज $1 पर पाउंड देन इट्स कंजम्पशन वुड बी कंजम्पशन वुड बी अराउंड 0. अराउंड 2.1758 2.1758। ठीक है, क्लियर गाइस, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बात करें इसका ई पार्ट, सिंस द आर स्क्वायर ऑफ द मॉडल इज लार्जर देन द दैट ऑफ मॉडल ए। अगर गाइस आप मॉडल ए और बी के दोनों का आर स्क्वायर को देखोगे, तो मॉडल ए जो लीनियर है उसका आर स्क्वायर का वो है 0.6628। ठीक है, नॉर्मल 66.28%, और इसका देखो तो इसका 0.7448 यानी 74.48% समाव इस टाइप का है कुछ। ठीक है, देखने में लग रहा है कि जो हमारा लॉग लॉग मॉडल है उसका आर स्क्वायर ज़्यादा है गाइस, ऑब्वियसली पता है, देखने में हमें ये लग रहा है। अब देखो इसी से वो क्वेश्चन कनेक्ट करवा रहे हैं, कहते हैं जी हमसे दैट इज सिंस द आर स्क्वायर ऑफ द मॉडल इज लार्जर देन दैट ऑफ द मॉडल ए, मॉडल बी इज प्रेफरेबल ऑफ मॉडल
ए, मतलब आर स्क्वायर अगर उसका ज़्यादा है तो मॉडल ए उससे प्रेफर्ड होगा, ठीक है, हम मॉडल ए को प्रेफर करेंगे मॉडल बी से। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जस्ट जस्ट लॉजिकल एक मीनिंग सोचना, क्योंकि जो आर स्क्वायर होता है गाइस वो हमेशा कोवेरियंस के फॉर्मूले की हेल्प से निकल के आता है। यानी हम आर स्क्वायर को जो निकालते हैं वो कहने गए गाइस मतलब फंक्शन होता है कोवेरियंस का, ठीक है जी। आई रिपीट गाइज, आर स्क्वायर जो होता है फंक्शन होता है कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये देखो कि अगर दोनों मॉडल में से जैसे आर स्क्वायर ऑफ मॉडल बी इज मोर देन आर स्क्वायर मॉडल ए, तो गाइज ऑब्वियसली बात है कि कोवेरियंस इन इन मॉडल बी इज मोर देन कोवेरियंस इन मॉडल ए, यानी वेरिएशन ज्यादा है मॉडल बी में एज कम्पेयर मॉडल ए। तो गाइज हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, हमारे लिए बेटर ऑप्शन है टू ऑलवेज चूज दी लेस वेरिएशन वाला मॉडल। तो गाइस हमारे लिए बेटर मॉडल रहेगा मॉडल ए, क्लियर बेटा। तो गाइस यही छोटी सी स्टेटमेंट थी, मैं आपको जस्ट यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ इसके बारे में। नाउ गाइस लिखिएगा यहाँ पर गाइस, दैट इज टू मॉडल्स, टू मॉडल्स कैन बी कंपेयर्ड थ्रू कैन बी कंपेयर थ्रू दीज आर स्क्वायर वैल्यूज दे हैव सेम सैंपल साइज, इफ दे हैव सेम सैंपल साइज, सेम सैंपल साइज, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन सेम फॉर्म, या सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म, एंड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हैंस द टू मॉडल्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, अच्छा अच्छा मैं गए एक शायद एक स्टेटमेंट में शायद एरर कर गया हूँ यहाँ पर, मैं आपको जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट नहीं सेम आएगा, रीजन में, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे कि दो मॉडल्स कब कंपेयर होते हैं, ठीक है, हम ये बताना चाह रहे थे कि दो मॉडल्स कब कंपेयर होते हैं, कि जब उनका सेम सैंपल साइज हो, डिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो, सेम फॉर्म में हो, और उनकी इक्वल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, ठीक है। लेकिन इन दिस मॉडल हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास इन दिस मॉडल, बट इन दिस मॉडल वी हैव डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म, डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म, सो वी कैन नॉट कंपेयर, सो वी कैन नॉट कंपेयर दीज मॉडल्स यूजिंग द आर स्क्वायर वैल्यूज, बाय यूजिंग द आर स्क्वायर वैल्यूज। देखो गाइस, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट बताई, ये मैंने आपको जनरल बात बताई है, ठीक है, कि हम कम मतलब मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर आपने पहले कुछ और बताया, नहीं, मैंने आपको यहाँ पे एक जनरल बात बताइए कि आप आर स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली कोवेरियंस बताता है दो वेरिएबल के बीच का, मतलब आर स्क्वायर फंक्शन होता है, तो एक तो ये हो गया। लेकिन अब हम अपने क्वेश्चन पर आए, तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है।
ठीक है, बिकॉज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो वी कांट कंपेयर बोथ द मॉडल्स बाय यूजिंग आर स्क्वायर. ठीक है, नाउ एफ पार्ट है, व्हाट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल इन चूजिंग बिटवीन द टू रिग्रेशन मॉडल्स आउटलाइंड अबव. या दिस इज द थ्योरी पार्ट. ठीक है, ये मैंने आपके एक बुक में से क्वेश्चन वाला लिखा था आप लोगों के लिए. ठीक है, इट्स अ थ्योरी पार्ट, तो गाइज इसका जस्ट आंसर लिख लीजिएगा आप एफ पार्ट का. ठीक है, लिखना गाइज यहाँ पे द गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब इसमें गाइज कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर जो आपको स्टडी करना है. प्रिंसिपल, द गाइडिंग प्रिंसिपल इन चूजिंग बिटवीन choosing between the two regression model, the two regression model, मतलब the guiding principle in choosing between the two regression model is to choose the model which fulfills the objective of fitting the model. Clear? Fitting the model. In this case, if we want to find, if we want to find absolute change, absolute change in the value of x, we would prefer model A. However, if our objective is to find percentage change in average value, percentage change in average value of y for 1% change in 1% change in the value change in the value of x, we will prefer model B. वी विल प्रेफर मॉडल बी. गॉट इट? या तो मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा अच्छे से. अगर ये हमने 6 पार्ट्स करे एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने इस क्वेश्चन की सारी बातें पढ़ ली हो, काफ़ी टाइम भी हो गया गाइस हमें. तो गाइस जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, एंड गाइस आई विल ट्राई कि मैं जैसे इस क्लास में भी एक एक क्वेश्चन रखता हूँ मैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मतलब अगले क्लास में आपको 2 और 3 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको वहाँ से. ठीक है बेटा, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद सम न्यू क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.